बजर की जैसे आवाज़ आएगी दैट मीन्स आपका ये वाला टाइम पूरा हो गया है, 20 सेकंड आप और इजाफी ले सकती हैं। आज आपका टॉपिक जो है आसान है, सोशल मीडिया और मैं, और हियर वी गो 1, 2 एंड 3 शुरू कीजिए। आज माशरे में सोशल मीडिया ने जीने के अंदाज ही बदल दिए हैं। कल इंटरनेट की अदम दस्तियाबी की बिना पर हमारा इल्मी सरमाया पेवंदे खाक हुआ। कल जब छापा खाने थे ना जदीद तर तरक्कियों का सिले रवा, तब हमारी इकबाल मंदियाँ कोई और अपने नाम मानवी कर गया। मगर वो इन के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। मगर आज जी सदर अली वकार, आज ये दुनिया, ये ग्लोबल विलेज, इंटरनेट की कायनात किसी भी ऐसे ओछे हथकंडे को लम्हों में रात के ढेर में बदल के रख देती है। कल शिबली अल फारूक अपनी तहरीर के खातिर मिस्र शाम की सैर को जाते थे, आज कल शिबली अपने ही ड्राइंग रूम में बैठे मिस्र शाम की लाइब्रेरियों से इस्तफादे की सकत रखता है। कल अपने बतूता अल बैरूनी, कोलम्बस, वास्को डी गामा नई नई दुनियाओं की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते थे, और आज के ये लोग अपने ही घर बैठे अपने अजदाद की नस्बत से उनसे दुगनी मालूमात और तफसीलात हासिल कर सकते हैं। सदर अली वकार, सोशल मीडिया ने मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया है। सोशल मीडिया जहां हम आप सदा मौजूआत पर मुबाहिस के काबिल हुए, सोशल मीडिया जहां हम आप 24 घंटे आपसी यगानगत और मोहब्बत के अजली रिश्तों में जुड़ गए, जहाँ हमारे गम और खुशी बांटे गए, सोशल मीडिया जहाँ हम आप अपने तखयलात और तफक्कुरात पेश करते हैं, सोशल मीडिया जहाँ हज़ारों मील दूर बैठे एक दूसरे के रिश्तों में बंधे ना सिर्फ बातचीत कर सकते हैं बल्कि ज़ियारत का एहतमाम भी बहरहाल मौजूद है। अगर गालिब हमारे ज़माने में होते तो इस शेर को ज़रा यूँ कहते, मगर लिखवाए कोई ख़त उसको तो हमसे लिखवाए, सुबह होते ही लेकर हाथ में स्मार्टफोन निकले। सदर अली वकार, एहसान इस जदीद टेक्नोलॉजी का कि इस मुश्किल वक्त में भी लोग घर बैठे वायरस से मुतालिक हर खबर से आगाह हो रहे हैं। अगर बात की जाए तालिबे इल्मों की तो वो इसी की बदौलत अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। सदर अली वकार, सवाल सारे गुलिस्तान की ज़िंदगी का है, नहीं सवाल फ़कत मेरे आशियाने का। जनाबे वाला, सोशल मीडिया की बदौलत अवाम एक दूसरे की राय में शरीक होते चले गए, सियासी जमातों ने अपना मंशूर ज़बानें ज़दे आम कर डाला, अवाम अपने दिल की भड़ास और अपने जज्बात का इजहार करने लगे। सदर अली वकार, मुझे तस्लीम है कि सोशल मीडिया के सामने बैठा फट काहली का शिकार होकर दुनिया माफिया से बेबहरा हो जाता है। मुझे तस्लीम है कि नशे नौ गैर अखलाकी प्रोग्रामों के ज़रिए बेरह रवि के दलदल में फंसती जा रही है। मुझे तस्लीम है कि सोशल मीडिया फहाशी, अखलाकी बाख्तगी और उरियानी का सस्ता तरीन जरिया है, मगर ये इस बात पर मबनी है कि कौन किस कदर काबिल इख्तियार है। एक सूरत में नहीं रहता किसी शय को करार, ज़ौक़ जिद्दत से है तरकीब मिजाज रोजगार। शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं, खड़ी रहिए। लेट्स सी कि जी क्या कहते हैं। हाँ जी,